दिल्ली कैपिटल्स की फ्लॉप बैटिंग के बाद 129 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने मात्र 18 ही ओवर में 5 विकेटों से बड़ी जीत दर्ज की है दिल्ली के ऊपर। आपको बताते हैं इस पूरे मैच की हाईलाइट। जी आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स के लिए आज कोई भी बल्लेबाज केवल कप्तान श्रेयस अय्यर को छोड़ के दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर के 43 रन की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 129 रन बनाए अपने निर्धारित 20 ओवर में। ऐसे में कम से कम 30 से 40 रन पीछे रही दिल्ली कैपिटल्स और आसानी के साथ लग रहा था कि सनराइजर हैदराबाद इस मैच को जीतेगी, क्योंकि वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो जिस फॉर्म में चल रहे थे उससे किसी भी आशंका का होना नामुमकिन लग रहा था। और ऐसा हुआ भी, किसी भी प्रकार का कोई भी विकेट नहीं खोया शुरुआत में डेविड वार्नर और जॉनी ब्रेस्टो ने। और आपको बता दें कि 64 रन की अहम पारी खेली दोनों ने मिला के, जिसके चलते जॉनी ब्रेस्टो ने जहां 28 गेंदों पर 48 रन बनाए तो वहीं डेविड वार्नर थोड़ा सा जल्दी आउट हो गए और मात्र 10 रन बनाए। लेकिन दोनों ने ही ठोस शुरुआत कर दी, जिस ठोस शुरुआत के दम पर मोहम्मद नबी और यूसुफ पठान ने अंतिम समय में जीत दिला दी है सनराइजर्स हैदराबाद को। तो कहा जा सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के बाद भी अपनी जीत की पटरी को बरकरार रखा है और पहुंच गई है आईपीएल 2019 के टेबल में सबसे ऊपर।